आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं इस तरह के बहुत सारे टिप्स, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस ट्रेनिंग वीडियो के माध्यम से मिलती रहे, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपना कमेंट दें। धन्यवाद। मोमबत्ती का उद्योग। बिजली कटौती के कारण देश में अधिकतर गांव रात को अंधेरा ही होता है और बिजली की आपूर्ति निर्मित कम होने से 24 घंटे बिजली की आपूर्ति ठीक तरह शुरू हो रही ऐसी संभावना कम से कम नजदीक से काल में तो दिखाई नहीं देगी। दिया बत्ती के लिए गाटले से खुले बाजार में मिलाता ही नहीं है। रेशन दुकान मिलने वाले गैसलेट पर्याप्त नहीं होता। बच्चों के जन्मदिन, कैंडल लाइट, डिनर, मृत व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कई कामों को मोमबत्ती का उपयोग भारत में पूरे दुनिया में प्राचीन काल से किया जाता है। ग्रामीण और शहरी ऐसे सभी घरों में हर उपको मोमबत्ती की जरूरत होती है, इसलिए सदा ही मांग रहती है। मांग को 12 महीने होने की उत्पादन और बिक्री की श्रृंखला सतत रहता है। मोम का उपयोग सिर्फ मोमबत्ती बनाने के लिए न होकर विविध गिफ्ट आर्टिकल्स बनाने के लिए होता है। मोमबत्ती का उत्पादन करना वैसे बहुत सा कठिन नहीं है। एक दो दिनों में ट्रेनिंग लिया तो भी मोमबत्ती उद्योग शुरू कर सकते हैं। मोमबत्ती का उत्पादन करके बाद तैयार हुआ माल सुनियोजित प्रणाली द्वारा बेचाता बहुत ही महत्वपूर्ण है। गर्मी के दिनों में तापमान बढ़ने के लिए तैयार हुए माल कम तापमान में रखना पड़ता है। अधिक तापमान के कारण मोमबत्ती टेटी मेटी हो जाती है अथवा मोम पिघल सकता है, इसलिए अच्छे दर्ज मोम का उपयोग करके उत्पादित माल के कम तापमान में स्टोरक उपयोग में लाना पड़ेगा। मोमबत्ती व्यवसाय में उत्पादन और बिक्री स्पर्धा में यदि हो तो प्रमाण ग्राहक मार्केट में उपलब्ध मोमबत्ती तैयार करने के लिए अधिकतर चाइना मोम उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद सभी सोचा पिघला हुआ मोम डालिए, मोम का संचय ठंडा होने के लिए वह ठंडे पानी की टप की थोड़ी देर रखिए। संचय ठंडा होने तक बाद मोमबत्ती बाहर निकाल कर जरूरत अनुसार जेटलिन कागज चिपकाइए। बाजार में जैसी मांग उसके अनुसार 5-10 दो रुपये की मोमबत्ती तैयार करो। मार्केट हर घर की जरूरत होने से वैसे अब ग्राहक घर में उपलब्ध है, परंतु अपना उत्पादन कितने बड़ा प्रमाण करेंगे इस पर आपकी वितरण प्रणाली तय होगी। गृह उद्योग के रूप में यदि आपके व्यवसाय की शुरुआत की तो डोर टू डोर मार्केटिंग दोगुना नफा मिलता है। यह ध्यान में रखो, आपको माल विज्ञापन आपको खुद ही करना आता है। उच्च दर्ज के माल के निर्मित की तो ग्राहक और बाजार पर ढूंढनी नहीं पड़ेगी। होलसेल व्यापारियों की ओर से आपके माल बिक्री होती है। आपके माल की गुणवत्ता दिखाओ, उन्हें ऑर्डर के अनुसार माल तैयार कर दो। इसके साथ ही स्टेशनरी बुक टेपरी किराना सुपरमार्केट माल्स यहाँ भी माल बेचो। माल का पैकिंग करते वक्त अपना खुद कोई ब्रांड बनाइए। बैटमैन के अनुसार पैकिंग करो। प्रकाश के लिए उपयोग न लाने जाने वाली मोमबत्ती, खास कार्यक्रम के लिए लगने वाले स्टडीड मोमबत्ती भी अनुसार उत्पादित रो मटेरियल्स स्लेप वाइट मोम, चाइना मोम, इराक मोम, ईरान मोम, कोरिया मोम, इंडोनेशियन मोम, ऐसी मोम विविध प्रकार के होलसेल के व्यापारियों के पास मिलते हैं। एल्यूमियम के विविध आकार से सोचे मोम गर्म करने के लिए बड़े बड़े बर्तन, छुरे, धागे, नाड़ी, मोमबत्ती के लिए सुगंधित द्रव्य, जेलेटिन पेपर, डाई ठंडी करने के लिए पानी, पानी का टब, पीवी सॉल्यूशन आदि कच्चा माल का सामग्री लगनी पड़ती है। असफलता में लिप्त रहने की अपेक्षा उसके कारण ढूंढो। मन एकाग्र करने के संभव ऐसा ही काम नहीं करो। कर्म मतलब प्रतीक्षा, सेवा भक्ति मतलब सेवा भाव। समाप्त। आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं इस तरह के बहुत सारे टिप्स, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस ट्रेनिंग वीडियो के माध्यम से मिलती रहे, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपना कमेंट दें। धन्यवाद।